अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। वैशाली जी आपके पास आना चाहूंगा। वैशाली जी आपका कोई अनुभव हमारे साथ में ऐसा शेयर कीजिए जहां पर आपने आपको ये फील हुआ या आपने किसी को देखा होगा कि वो देख के आपको ऐसा लगा कि क्यों लोग इंश्योरेंस नहीं करते हैं, क्यों लोग सेविंग्स नहीं करते हैं, ऐसा आपके मन में ख्याल आया, ऐसा कोई अनुभव हमें बताइए। मेरा एक एक्सपीरियंस है जो काफ़ी मेरी सोच के नज़दीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, उसने मुझे भी एक लेसन दिया था। ओके। हमारे नेबर है जो लास्ट 5 ईयर्स से हमारे घर के पास रहते हैं। ओके। और लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग उनसे बहुत कनेक्टेड है, मतलब हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। तो बिफोर 3 ईयर्स जब उनके घर में एक उसका बड़ा बेटा है उसका एक्सीडेंट हुआ था। ओके। तो हमने उनको पूरा सपोर्ट किया, हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, उसकी केयर करते थे, जहाँ पे भी अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो देते थे। ओके। क्योंकि हमारा वो नेबर थे लेकिन फैमिली रिलेशन था। फिर उनका बड़ा बेटा अच्छा हो गया, सब रूटीन हो गया, सब लोग घर पे आ गए, और वापस 1 साल बाद उनकी बेटी थी उसका एक्सीडेंट हुआ। ओके। तो इस बार भी एज अ नेबर हमने उनको सपोर्ट किया, और इस बार तो डेफिनेटली हम जब किसी के नेबर हैं तो फैमिली रिलेशन डेवलप हो जाते हैं तो पूछते हैं, क्योंकि आजकल तो क्या है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो खर्चा इतना बढ़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बराबर। तो मैंने भी ऐसे गई थी शाम को उनको मिलने के लिए कि भाई तेरे को कैसा है, क्योंकि उनकी बेटी मेरी फ्रेंड भी थी। अच्छा। तो मैंने पूछ लिया कि भाई आंटी इसकी ट्रीटमेंट तो हो रही है लेकिन इसका इंश्योरेंस तो है ना, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला आंटी आपको पता नहीं है तो मैं अंकल से पूछ लूँ। बोले नहीं नहीं तेरे अंकल भी बोल रहे थे कि इसका इंश्योरेंस नहीं है। तो मैंने बोला लास्ट ईयर आपके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो उसका इंश्योरेंस था कि नहीं था, बोले नहीं। तो जब मैं हॉस्पिटल से वापस घर आ रही थी तब पूरे रास्ते में सोचती रही कि ये कैसी फैमिली है, क्योंकि सब लोग एजुकेटेड है, वो अंकल की भी अच्छी खासी जॉब है, आंटी हाउसवाइफ है लेकिन उनकी भी एजुकेशन अच्छी है, शी इज़ मच अवेयर अबाउट दिस सोसाइटी एंड एवरीथिंग, और उनकी बेटी पढ़ाई कर रही थी, उसका बड़ा बेटा भी कॉरपोरेट जॉब कर रहा था। तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छा मोबाइल है, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंटरनेशनली हम कनेक्टेड है कि भाई चलो हमारे इंटरनेशनली फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक छोटी सी बात हम नहीं समझते, या तो उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था कि शायद हम लोग समझते हैं लेकिन उसको निग्लेक्ट करते हैं। बराबर, बराबर। पता नहीं, स्पेशली मुझे लगता है इंडिया में लोगों को अपनी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा घर कैसा है, हमारे पास कार कैसी है, हमारे पास मोबाइल कैसे हैं, हम कहाँ घूमने जाते हैं, कहाँ पे ट्रिप करते हैं, हमारे बच्चों का एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ है, ये सारी चीजें स्टेटस सिंबल है। लेकिन हमारी खुद की लाइफ कोई स्टेटस सिंबल ही नहीं है। मतलब हम ये नहीं सोचते कि अगर हम नहीं है तो सारी चीजें बिना काम की है। बराबर। जब हम हैं माने कि हमारी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, हमारी लाइफ है, हम जिंदा है, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। मुझे लगता है कि जैसे हितेश भाई ने शेयर किया था ना, वैसे हमारी बिलीफ और हमारी सोच इतनी गहरी है कि जहाँ पे हम इसमें से बाहर निकल के जो इम्पोर्टेंट है उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम दुनिया के साथ चलते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, मोबाइल के मॉडल में चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं। बराबर। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से हमारे लाइफ स्पान में जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आप देखते होंगे कि आजकल सबको छोटी उम्र में डायबिटीज जैसे रोग हो सकते हैं, मतलब वो लाइफ टाइम डिसीज हो सकते हैं। बराबर। और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से एक्सीडेंट के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। फूड इतनी अच्छी नहीं है तो सबकी लाइफ डिक्रीज हो रही है। ये चीजें जो इम्पोर्टेंट है जिंदगी जीने के लिए, इस पे हमारा नजरिया नहीं है। नहीं।
लेकिन जो टेंजिबल चीजों में चेंज आ रहा है उस पर हमारा नजरिया है, और सिर्फ नजरिया नहीं है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं. बराबर. एज ए ह्यूमन बीइंग कोई दो लोग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि अब तो ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए. बराबर. तो मेरा ऑब्जर्वेशन, मतलब इन लोगों का, मेरे नेबर का, मैंने देखा कि दो लोगों के एक्सीडेंट हुए फिर भी उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, उस बात से उनको कोई टेंशन नहीं है. बराबर. लेकिन हम, अगर किसी के पास आईफोन नहीं है तो उसको टेंशन है कि भाई चलो मुझे मेरा मोबाइल चेंज करना है. बराबर. तो मुझे लगता है कि आज सबको अपनी सोच बदलने के साथ साथ छोटी सी शुरुआत करने के लिए जिन चीजों को हम अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, जिसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला उसको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है. बराबर. और वहीं पे इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या इंश्योरेंस, कुछ भी हो, किसी की लाइफ में बहुत हेल्प करता है. और मुझे लगता है कि एक्सीडेंट तो एक ऐसी चीज है जिसमें जिसका हुआ है उसको तो पेन मिलता ही है. बराबर. लेकिन उसकी पूरी फैमिली को पेन मिलता है, सबको ये फील होता है कि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है. परफेक्ट. क्योंकि वो हॉस्पिटल्स के सिर्फ खर्चे नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई है. बराबर. और अगर हम ये बात को समझ ले तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ पैसों की सेविंग नहीं कर रहे हैं, हम हमारी फैमिली की खुशियों की सेविंग कर रहे हैं, हम खुद की लाइफ की सेविंग कर रहे हैं. बराबर. और उसको सिक्योर कर रहे हैं. तो इन चीजों पे सबका ध्यान जाए और उसको एक्सेप्ट करे, ये बहुत जरूरी लग रहा है आज के समय में. परफेक्ट. परफेक्ट वैशाली जी, बहुत ही इन डिटेल आपने बताया चीजों को. एक तो चीज होती है वैशाली जी, जैसे आपने बताया जो इंसिडेंट शेयर किया, ये इंसिडेंट को सुनने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आता है कि एक इंसान ऐसा होता है, जैसे कि मिस्टर रजनी पटेल, उनके साथ में एक इंसिडेंट हुआ और वो इमिडिएटली उनके जो है दिमाग की बत्ती खुल गई और उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाया और उससे और इंश्योरेंस कराया. जो भी नो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट पे उन्होंने ये मेरे साथ दोबारा ना हो वैसा काम किया. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके साथ में इंसिडेंट हो रहा है फिर भी वो एक्शन नहीं लेते हैं. तो मे बी उसकी वजह ये हो सकती है कि उनका नॉलेज लेवल उतना नहीं है, उनको किसी ने गहराई में चीजों को समझाया नहीं है. मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद यही वजह हो सकती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.